जवाब तरीके से इस देश के अंदर। मैं अश्विनी जी आऊंगा आपके पास, मुझे प्रेम शुक्ला के पास जाना है। आप जवाब नहीं दे रहे, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। प्रेम शुक्ला जी क्यों ये हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे, जबकि इस कानून को आंख मीच के किसी से भी पूछ लीजिए, सख्त जरूरत है इस देश को। आप प्रेम शुक्ला, आप विवेक श्रीवास्तव को ऑडियो नहीं, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे। 3.5 मिनट का वक्त दिया मैंने आपको। दीपक जी मुझे लगता है शांतिपूर्ण बहस पे करें तो बेहतर एक निष्कर्ष पर निकलेंगे। कला फाड़ प्रतियोगिता से कुछ हासिल नहीं होगा सर। ग्रेट इंडिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री और विवेक श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। नहीं, चीन चीन के सारे आदर्श इनको ग्रहण करने हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के आदर्श की बात होते ही इनको मिर्च लग जाती है। मिर्च क्यों लग जाती है? उसका कारण है क्योंकि इस देश में जनसंख्या को धर्म के साथ जोड़कर एक धर्म विशेष के लोगों ने एक धार्मिक जनसंख्यात्मक जिहाद छेड़ रखा है, और वो इनका वोट बैंक है। इनके वोट बैंक को आप अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कह देंगे, उनके अनुशासन के लिए कह देंगे, तो इनको बहुत पीड़ा होगी। उस पीड़ा का प्रदर्शन कर रही है साहब। अगर आपके देश में संसाधनों की सीमा है तो संसाधनों के अनुकूल ही आपके यहाँ जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण करने में हम दो हमारे दो की तो बात स्वीकार रहे ना, उससे तो आप स्टेबल जनसंख्या रहेंगे ना। बूढ़ों की संख्या और जवानों की संख्या घटेगी नहीं, एक आप जो है प्रॉपर साइकिल में जाएंगे। चीन में इसलिए बूढ़े बढ़ गए क्योंकि चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, एक संतान की नीति लाई थी। हम दो हमारे दो को, और जो 50-50 शादियां करके, 20-20 शादियां करके, 10-10 शादियां करके, 4-4 शादियां करके एक धर्म विशेष के लोग लगातार जनसंख्या को वृद्ध करने का दुष्कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है उनके पास विकल्प क्या शेष बचता है। तो आप जैसे दीपक जी ने कहा, इनकी बातें दोगली है, इनकी नीतियां दोगली है, इनका व्यवहार दोगला है। क्यों दोगला है? ये सब शब्दों के प्रयोग से कुछ होने वाला नहीं है। आप लॉजिकल बात करिए सर। आप दोगले, आप सर लॉजिकल बात करिए। आप ड्राफ्ट लाइए, आप बिल लाएंगे, वो सिलेक्टिव होगा। आपका बिल धर्म विशेष के खिलाफ हो जाएगा जैसा आप कह रहे हैं। ले आएंगे, और आपका ये जो मजहबी जिहाद है, ड्राफ्ट लाइए, अपोजिशन पार्टी से डिस्कस करिए, उनके क्लॉजेस को फिर बात होगी। जिहाद, अरे भाई पहले जो बीमारी है वो कंट्रोल कर लो, तुम जिस काबिल हो मैं जानता हूँ, वो भी नियंत्रित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जिस काबिल है मैं भी जानता हूँ। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, दूसरे लोग भी पैनल पर है। विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इफ्रा जान के पास जाना है। प्रेम शुक्ला जी आपकी इसी बात को मैं इफ्रा जान के पास ले जाता हूँ। इफ्रा, कॉमन सिविल कोड के आप लोग खिलाफ, जनसंख्या नियंत्रण कानून के आप लोग खिलाफ, सवाल ये है कि अगर देश आपका है और आप इस देश के संविधान की कसम खाते हैं, तो आपको तो मानना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून दोनों आ जाए। और चूंकि आज मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात कर रहा हूं, तो आपके मौलवी लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? आपका समाज इसका विरोध क्यों करता है? आपके लोग, आप सुन लीजिए प्लीज, मुझे बीच में नहीं टोकेगा। करीबन 50 मिनट बाद में, 30 मिनट बाद में डिबेट में आई हूँ। पहली बात, जब यही पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, एक दिन में पैदा नहीं हुई है। अगर भाजपा की सरकार हमारे देश की जनसंख्या जैसे सरकार देश को नहीं चला सकती है, तो वो रिजाइन कर सकते हैं। वो नेपाल में इलेक्शन लड़ ले, श्रीलंका में इलेक्शन लड़ ले, जहाँ की जनसंख्या उनसे संभल सकती है। अगर इन लोगों से हमारे देश की जनसंख्या नहीं संभल सकती है 7 साल बाद भी, तो आप सत्ता में बैठे क्यों हैं? आप सत्ता में हथियार हैं? देखो किस तरह से, किस तरह से कुटिलता इसकी प्रकट हुई, इस महिला की कुटिलता किस तरह से प्रकट हुई आपने देखा? इनके दिल की बात आ गई, किसको दे देंगे? लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हम जीते हैं तो जिहादियों को दे देंगे? जिहादियों को लगातार जुतम्मण करेंगे, ठीक करेंगे जिहादियों? ऐसे डिबेट नहीं होगी, लगातार जुतम्मण करेंगे जिहादियों? हम प्रिपेयर करके आते हैं, 50 मिनट बात करनी बैठी है बालिका। लेकिन इफ्रा जी आप सवाल के जवाब दीजिए ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए, दो टूक जवाब दीजिए, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। या तो आप लोग मुझे भूलने दीजिए, या मैं इतना सोचता है कि इसको जवाब नहीं देंगी। आप बोल दीजिए कि आपको सिर्फ बीजेपी वालों को बुलाना है डिबेट में, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। इनको मैंने एक बात भी नहीं कहा, आईना दिखाना भी हमारा दायित्व है।
ये जो जिहादियों के दलाल है, इन दलालों इफ्राज जी आप सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।